भारत के चहेते सबसे तेज और अपनी स्विंग बॉलिंग के लिए मशहूर बॉलर मोहम्मद शमी ने आखिरकार अपनी पैरों की सर्जरी करवा ली है। मोहम्मद शमी ने यह सर्जरी यूनाइटेड किंगडम में करवा ली है और उनकी यह सर्जरी सफल रहा है। वहीं पर डॉक्टरों ने सलाह दी है कि मोहम्मद शमी को ठीक होने में अभी काफी समय लगेगा, जिसके कारण शमी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भविष्य में आने वाले कुछ महीनों के मैच को मोहम्मद शमी नहीं खेल पाएंगे। अपनी सर्जरी पर खुलासा करते हुए मोहम्मद शमी ने ट्वीट करके कहा है कि उनकी एड़ी का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। इस पर शमी ने बताया कि मैं अपने पैरों पर जल्दी से खड़ा होने में उत्सुक हूं। और वहीं पर मोहम्मद शमी ने अपने भर्ती रूम से कुछ फोटेज भी शेयर किए हैं, जिनमें वे ऑपरेशन के बाद आराम कर रहे हैं। उनकी इसी सर्जरी से उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मोहम्मद शमी अपनी सर्जरी के कारण आईपीएल 2024 और टी20 वर्ल्ड कप 2024 का मैच नहीं खेल पाएंगे। इसी कारण उनकी टीम गुजरात टाइटन को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि पिछले मुकाबले में मोहम्मद शमी ने आईपीएल में सबसे ज्यादा 28 विकेट हासिल किए थे। अगर मोहम्मद शमी समय से पहले ठीक नहीं होते हैं तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे। अगर शमी को जल्दी